बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने पटना में सोमवार को लगने वाले दिव्य दरबार को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ये कहा कि भारी भीड़ के बीच किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो और इसी के चलते दरबार को स्थगित कर दिया गया है। और साथ ही फिर उन्होंने ये भी कहा कि फिर कभी बिहार आएंगे तो दिव्य दरबार लगाया जाएगा। और इसी के साथ बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पटना में दरबार लगाने वाले थे और इसी के साथ गर्मी के कारण इस दरबार को स्थगित कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कथा पूरे 5 दिन चलेगी, लेकिन भारी भीड़ के बीच के कारण इसके बाद ये फैसला लिया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फिर कभी बिहार आएंगे तो दिव्य दरबार लगाया जाएगा। साथ ही बता दें कि पहले दिन की कथा में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे के अलावा बिहार बीजेपी के कई बड़े नेता भी पहुंचे थे और आयोजकों की तरफ से बड़े इंतजाम के दावे किए गए थे, जिसके बाद अब इस दरबार को स्थगित कर दिया गया है।